तो दोस्तों हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं और देखिए मुख्य द्वार था, इसके पीछे बाकी सब चीजें आपको बता रखा हूं मैं। और देखिए ये इधर से हम लोग अंदर जाने के लिए स्टार्ट करते हैं और आगे का वीडियो और नए एपिसोड में आपको दिखाते हैं, नए पार्ट में, पार्ट टू में इसका आएगा आगे का वीडियो। देखिए दोस्तों एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर पूरी टेकरी को ही किले के रूप में बदल दिया गया है और जगह जगह पे अपनी सुविधा के अनुसार कहीं दरवाजा बनाया गया है तो किनारे किनारे किलाबंदी की गई है, बीच में बैरक बनाए गए हैं जवानों और सैनिकों को रहने के लिए, तो महल का भी निर्माण किया गया है। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि जिस समय ये किला रहा होगा और लोग रहे होंगे, यहाँ के शासन करने वाले सत्ताधारी रहे होंगे, उस समय क्या स्थिति थी यहाँ की। लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, अब ये पर्यटक स्थल बन चुका है। देखिए दोस्तों किलाबंदी किया हुआ दिख रहा होगा आपको। दोस्तों चलिए इसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं विजयगढ़ दुर्ग का पहला किला, जो छावनी है, सैनिकों के रहने का स्थान है। शासन हुआ बनाया गया है जिसमें उस समय हमें लगता है किसी देवता की मूर्ति बैठाई गई होगी और हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और काफी अच्छी नक्काशी की गई है पत्थरों पे। आइए दोस्तों अंदर दिखाते हैं। छत तो इसका गिर चुका है पर देखने से ये लगता है कि काफी मजबूत बनाया गया था और सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए उसके अंदर सैनिक रहता था खड़ा इस महल की सुरक्षा के लिए और काफी उस समय चौकसी दिखाई बरती जाती थी अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत सेना रखते थे राजा अपने लिए ताकि उनका महल और उनका शासन सुरक्षित रहे। और ये देखिए दोस्तों अंदर का व्यू है, कैसा नजारा है देखिए अंदर। अंगनैयादार हम लोग अंगनैया बोलते हैं जो बीच में मकान के चारों तरफ जो बीच में जगह छोड़ी जाती है और यहाँ से उनकी पूरी छावनी दिखाई जा सकती है जो गिर चुकी है, दीवार सब बचा है, बस छत कहीं पे नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में और आगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रोमांचित जगहें दिखाऊंगा मैं। और बताया जाता है कि इस किले में जगह जगह पे खजाना गड़ा हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं है कहाँ पे खजाना गड़ा है और काफी इसकी खुदाई की जा चुकी है और इस किले में चार सुरंगें बनाई गई हैं जो बहुत दूर दूर तक जाई जाती हैं लेकिन उनको अभी रोक दिया गया है, कोई उसमें जा नहीं सकता है जिसे मैं नहीं दिखा सकता आपको। लोग अपने पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, पार्टियां हो रही हैं। ये वीडियो काफी मुश्किलों में बनाया जा रहा है और आपका दोस्त एक फौजी है तो इस नाते इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम है मैं उसको करूँगा। और आप लोग पसंद करते हैं मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि आपका ये फौजी भाई और भी मोटिवेट हो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाए। जो भी पता नहीं कैसे यहाँ पे जानवर आते हैं घास खाने के लिए और यहाँ पे खीर बाबा का मजार है तो उनके भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक ऐसा तालाब है दोस्तों जो कभी सूखता नहीं, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को किलेबंदी की दिखा रहा हूँ तस्वीर, तो देखिए उस ज़माने में कैसे पूरे पहाड़ को कैप्चर करके और उसके चारों तरफ चार दीवारी बना दिया गया था और उसके बगल में सड़क बना दी गई थी जिसपे घोड़े दौड़ते थे। सोचिए कैसा ठाक रहा होगा। देखिए हमारे सामने कैसे किलाबंदी किया हुआ है, अब यहाँ से कोई दुश्मन इसके ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकता, चढ़ भी नहीं सकता। आइए मैं और ऊपर से दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, ऐसी जगह ना पसंद आए तो फिर कमेंट में लिखिएगा कि जगह ठीक नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, खूबसूरत वादियाँ, प्रकृति से एकदम जुड़ा हुआ ये किला ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये कहा जा सकता है उस जमाने में। आज तो कई आधुनिक तकनीकें आ रखी हैं, दूर तक नज़र रखी जा सकती है यहाँ। स्टार्ट दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे कितना अच्छा खुला हुआ एकदम इलाका है। पहाड़ी है, जंगल है, पर जिस पहाड़ी पे हम हैं ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी, इसके बाद ही सब नीचे इसकी सब छोटी बहनें कहा जा सकता है, इसके नीचे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं। तो ये पहाड़ी कैप्चर करके इस पर महल बनाया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा जगह है जिसपे आक्रमण नहीं हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए राजा उस समय इतना दिमाग लगाए और इस पहाड़ी पे महल बनाए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब आगे का वीडियो आपको नए पार्ट 3 में आपको दिखाता हूँ। जय दोस्तों।